आज हम बनाएंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए झटपट पाव भाजी। इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ सब्जियाँ, जैसे मैंने एक कटोरी लौकी, दो शिमला मिर्च, एक कटोरी सीताफल, एक कटोरी फूल गोभी, दो से तीन छोटे बैंगन, एक आलू और थोड़ी सी मटर। इन सभी सब्जियों को थोड़ा सा पानी, आधा चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक के साथ 5 से 6 सीटी में बॉईल कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम बटर और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके एक ग्राइंडर की हेल्प से इन्हें थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है। ये देखिए पूरी तरह सब्जी मैश हो चुकी है। आप चाहे तो हैंड मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। मीनवाइल हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। मैंने ये एक प्याज काट कर अच्छे से भून ली है। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर, इनको भी अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। इन सभी मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भूनकर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसी बीच मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिए हैं और साथ में हम डालेंगे वो मैश की हुई सारी सब्जियां। सभी मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे गैस पर। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला। देखिए हमारी पाव भाजी बनकर एकदम झटपट तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू। अब हमारी भाजी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे पाव के साथ बच्चों के लंच में दे सकते हैं या फिर घर पर एज अ स्नैक्स इंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।